औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो पैसेज के हवाले से है कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये इंटर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। मोस्टली अगर इंटर के बच्चे फेल होते हैं तो इस पैराग्राफ की वजह से होता है, चूँकि वो बिल्कुल भी उनको ट्रांसलेशन के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। और इसी तरह बीए पार्ट वन के जो बच्चे होते हैं उनको भी 15 नंबर का ये पैराग्राफ आता है, वो भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते चूँकि टेक्निक्स क्लियर उनको नहीं होती। हमारा चूँकि अलमिया है कि हमारे बच्चों को मैट्रिक से रटा लगवाया जाता है, और जब रटा लगवाया जाता है तो बच्चे जो है पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को लाइन टू लाइन याद कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस लाइन में टेंस कौन सा है, यूज़ है, क्या टेक्निक्स है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये हुक्म चलाया जाता है कि जी आपने याद करना है पूरा पैरा, तो वो पास भी कर लेते हैं, नंबर भी अच्छे ले लेते हैं, मगर टेक्निक के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को जो है हर तरह का फिक्र ट्रांसलेट करना आए, जो जो टेक्निक्स हैं उसके हवाले से अवेयरनेस हो, तो फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे आपकी ऐसे राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और हर तरह का पैराग्राफ को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो कोशिश करनी है टेक्निक्स जो हम बताएं उसको फॉलो करना है। जी आगाज़ करते हैं एक शायरी की हैसियत से। अब यहाँ पर एक शायरी की हैसियत से ये एक फ्रेज़ है, एज आ सिटीज़न। अब देखें एक उस्ताद की हैसियत से, एज अ टीचर, एक भाई की हैसियत से, एज अ ब्रदर, एक दोस्त की हैसियत से, एज अ फ्रेंड, तो एक शायरी की हैसियत से एज अ सिटीज़न। अब आगे हमारा फ़र्ज है, सादा फिक्र है ये। अब सादा फिक्र कौन सा होता है, जिस फिक्र में वर्ब ना हो वो होता है सादा फिकरा। तो अब हमारा फ़र्ज ये इसमें ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, प्रेजेंट का ज़माना है। अगर कोई भी सादा फिकरा हो, अगर उस सादा फिकरे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसका सब्जेक्ट होता है इट, और इस इट को हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो फिर क्या होगा, तो इट का मतलब ये नहीं होगा, ये ध्यान में रख लें, डमी सब्जेक्ट का मतलब हमारा फ़र्ज है इट इज़ अवर ड्यूटी, इट इज़ अवर ड्यूटी। अगर इसी फिक्र को तर्जमा करेंगे इट इज़ अवर ड्यूटी को, तो ये हमारा फ़र्ज नहीं है, हमारा फ़र्ज है इट इज़ अवर ड्यूटी। इट जो डमी सब्जेक्ट होता है इसका उर्दू में कोई वजूद नहीं होता, हमारा फ़र्ज है इट इज़ अवर ड्यूटी। अब आगे टेक्निकल पॉइंट चल रहा है, हमारा फ़र्ज है कि हम अपने मुल्क के कानून का एहतराम करें। अब इसमें टेक्निक क्या है, के जो है ना, के हम, जब भी कोई भी फिक्रा जो इट से शुरू हो रहा है, इट के बाद के हम, के बाद अगर सब्जेक्ट चल रहा होगा, मतलब कि ये हम कौन है, हमारा फ़र्ज है हम पे यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पर पहले हिस्से में हम ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, के बाद हम सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जब सेकंड पार्ट में के बाद जो है पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर उस सब्जेक्ट की जगह हम टू लगाएंगे, हमेशा नंबर वन पर टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थ्री पर ऑब्जेक्ट, फिर इस फार्मूले के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ अवर ड्यूटी के हम की इंग्लिश होगी टू, उसके बाद वर्ब देखें एहतराम करना टू रिस्पेक्ट, एहतराम करना टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ अवर कंट्री। अब यहाँ पर कानून का की इंग्लिश नहीं की, क्यों नहीं की, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरम्यान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, तो इसलिए ऑफ नहीं करेंगे ट्रांसलेट यहाँ पर। इट इज अवर ड्यूटी टू एक्स टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ अवर कंट्री, अपने मुल्क के ऑफ अवर कंट्री, यहाँ के इंग्लिश ऑफ होगी। नेक्स्ट देखें, इन पाबंदियों को खुश दिली से कबूल करें, अगर ये भी हम उसके साथ जोड़ देंगे तो फिर हम कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, जब कॉमा लगाएंगे तो दोबारा हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर दोबारा हम मतलब टू भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब से फिक्र शुरू करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे फिक्र खत्म करेंगे। अब क्या होगा, इन पाबंदियों को खुश दिली से कबूल करें, अब कॉमा लगाकर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसमें ऑब्जेक्ट है, इन पाबंदियों को एक्सेप्ट दीज लिमिटेशन, एक्सेप्ट दीज लिमिटेशन, इन पाबंदियों को कबूल करें, तो हमारा ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मुकम्मल होगा। इजाफी चीजें खुश दिली से हैप्पीली या विद प्लेयर, उसके बाद जो कानून हम पर आयद करता है ये इसके साथ जुड़ा है, जो कि नीचे विच भी होगी डैट भी होगी, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, विच या डैट इम्पोजिज, इम्पोज होता है आयद करना, मुसल्लल करना, इसके साथ प्रोपोजिशन आती है अपॉन, डैट इम्पोजिज अपॉन अस, जो हम पर जो कानून, डैट ला, ला सब्जेक्ट है, डैट ला इम्पोजिज अपॉन अस, जो कानून हम पर आयद करता है। तो ये जो है पहली जो लाइनें जो है वो मुकम्मल हुई,
अब नेक्स्ट देखें, मसलन होता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हर किस्म के टैक्स अदा करें। यहाँ पर फिर टेक्निकल फिगर आ गया, ये बेसिकली तो इम्पैरेटिव सेंटेंस की निशानी दे रहा है। कोई भी फिक्र जिस फिक्र के आख में वाओ दो नुकटों वाली ये या बड़ी ये आ जाए, तो उसमें हम यूज ऑफ वर्ब करते हैं। यूज ऑफ वर्ब का फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर, इस किताब को पढ़ लो, रीड दिस बुक। अब अगर इसमें सब्जेक्ट आ जाए यूज ऑफ वर्ब में, तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अहमद इस किताब को पढ़ लो, अहमद शुड रीड दिस बुक। बच्चों स्कूल जाओ, द चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल। तो फिर हम जैसे यूज ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट आता है तो फिर वो यूज ऑफ वर्ब चेंज होगा शुड में। अब यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट आएगा तो ये शुड में आ जाएगा यूज, हर किस्म के टैक्स अदा करें। अब यहाँ पर जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, हर किस्म के टैक्स अदा करें कौन करे, पीछे वाले फिक्र में किन की बात हो रही है, हम, चूंकि हमारा फर्ज है तो फिर टैक्स किसने अदा करना है, हमने, हर किस्म के टैक्स अदा करें, यानी कि हम हर किस्म के टैक्स अदा करें। ये जब हम हर किस्म के टैक्स अदा करेंगे तो इसमें यूज ओवर में सब्जेक्ट आ गया, तो फिर ये यूज ओवर चेंज होगा यूज ऑफ शुड में, सब्जेक्ट आएगा शुड आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वी शुड पे आल काइंड ऑफ टैक्सेस, पे आल काइंड ऑफ टैक्सेस, हर किस्म के टैक्स अदा करना, वी शुड पे आल काइंड ऑफ टैक्सेस, हम हर किस्म के टैक्स अदा करें। उसके बाद इसके साथ फिर फीसदा जोड़ दें, दूसरे शहरियों की जानो माल की हिफाजत करें। जब उसके साथ जोड़ेंगे तो कोमल गाएंगे, जब कोमल गाएंगे तो फिर दोबारा सब्जेक्ट और शुड यूज नहीं होगा, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब से फिक्र शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट पे खत्म करेंगे। फिर क्या होगा, वर्ब इसमें क्या है, दूसरे शहरों की जानो माल की हिफाजत करें, हिफाजत करना, सेफ गार्ड होता है हिफाजत करना, कोमल गाकर सेफ गार्ड। अब जानो माल, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर सिटीजन, कॉमन गाकर सेफ गार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर सिटीजन, दूसरे शहरों की जानो माल की हिफाजत करें। उसके बाद फिर दूसरे शहरों की, दूसरों की आज़ादी का ख्याल रखें। अब उसके साथ फिर अगर जोड़ना है इसको तो फिर कोमल गाएंगे, जब कोमल गाएंगे तो फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट ही करेंगे। अब क्या है, वर्ब ख्याल रखना, अब टेक केयर ऑफ द फ्रीडम ऑफ अदर, टेक केयर नहीं लगाना तो लुक आफ्टर भी होता है, लुक आफ्टर द फ्रीडम ऑफ अदर, ये भी लगाना तो हम ये भी कह सकते हैं, वैल्यू वैल्यू द फ्रीडम ऑफ अदर, दूसरों की आज़ादी को अहमियत दो, वैल्यू द फ्रीडम ऑफ अदर, इस तरह इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, फिर उसके साथ अगर ये भी जोड़ना है फिर कॉमा लगेगा, कॉमा कॉमा के बाद अपने मुल्क से मोहब्बत करें। अब यहाँ पर लव अवर कंट्री, लव अवर कंट्री, फिर उसके बाद अगला हिस्सा फिर जा रहा है, अपने शहर को साफ रखें, फिर कोमल गाएंगे, कोमल गाकर फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट से फिक्र मुकम्मल करेंगे, अपने शहर को साफ रखें, कीप अवर सिटी क्लीन, की यहाँ पर अपने की अंग्रेजी हमेशा अवर होगी क्योंकि हमारी बात चल रही है पीछे, अपने शहर को साफ रखें, कीप अवर सिटी क्लीन। उसके बाद फिर कोमा, अपने हम वतनों से मोहब्बत करें, कोमल गाकर फिर यहाँ पर वही वर्ब और ऑब्जेक्ट, लव अवर कंट्री मैन, लव अवर कंट्री मैन, अपने हम वतनों से मोहब्बत करें, और अगर फिक्र एंड में और आ जाए तो फिर एंड, एंड के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उनकी मदद करें, एंड हेल्प देम, यानी कि एक ही फिक्रा बना है सारे फिक्रों का, एक ही फिक्र में कोमा कोमा लगा कर जितने पार्ट बने थे, अलग अलग भी कर सकते थे मगर अलग अलग करने की बजाय एक ही दफा हमने सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट शुड, सब्जेक्ट यूज किया और शुड, उसके बाद फिर जितने भी पार्ट चाह रहे थे सब्जेक्ट तो सबका एक था, हमने कोमे कोमे लगा कर जो है ना वो, जो कोमे के बाद दोबारा सब्जेक्ट शूट नहीं लगाना था, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे जो है ना सारे पार्ट पे चले हैं। तो इस तरह आपका ये जो पैसेज है वो ट्रांसलेट हुआ। तो जैसे जैसे आपको इन इस तरह के फिक्रों को ट्रांसलेट करना आएगा, जो टेक्निक चल रही है वो क्लियर होगी, फिर इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप किसी भी तरह के मुश्किल से मुश्किल पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने में कंफ्यूज नहीं होंगे, और दो या दो से ज़्यादा पैराग्राफ जब मिल जाते हैं तो ऐसे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।